मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि अपने सरों को दुआ में झुकाइए, हर सर झुक जाए और हर आंख बंद हो जाए, क्योंकि यहां हजारों की तादाद में लोग जमा हैं। ये घड़ी आज फैसले की घड़ी बनने जा रही है और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यहां तक कि अगर आप यीशु मसीह को रद्द भी करेंगे तो भी आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक बार जब आप उसका सामना कर लेते हैं, एक बार जब आप उसकी आवाज को सुन लेते हैं, अंजील को सुन लेते हैं और उसको रद्द करते हैं, तो आप पहले जैसे नहीं रहते। क्योंकि कलाम कहता है कि जब उस अमीर आदमी ने मसीहा की पेशकश को रद्द किया तो वो गम की हालत में मुड़ा, वो जहनी तौर पर परेशान हो चुका था। क्योंकि जब आप मसीहा के दावों को रद्द करते हैं, जो एक बहुत संजीदा बात है, आज जब आप में से बहुत उसे यानी मसीहा को कबूल करेंगे, उन तो उनके लिए ये एक फैसले की घड़ी होगी। आपकी जिंदगी और आपका घर पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए गौर से दुआया हालत में और आजजी में सुनिए उस पैगाम को जो कलाम खुदा से आता है। हम दुआ मांगें। ऐ हमारे बाप, हम इस खुदा के प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तमाम दुनिया और गलत तक पहुंचता है और तमाम इंसानियत की भलाई से भरा हुआ है। ये प्यार रूस, चाइना और बरतानिया और अमरीका और अफ्रीका बल्कि तमाम दुनिया के लिए है, और इसी के गुनाहों की खातिर तेरे बेटे को मरना पड़ा और सब ही तेरे निजात के मंसूबे में शामिल हैं। और आज हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम खड़े होकर तेरी खुशखबरी सुना सकते हैं कि खुदा मोहब्बत है और खुदा माफ़ी देना चाहता है। हम आज दुआ करते हैं कि इस पैगाम को बहुत से लें, इसे कबूल करें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें, क्योंकि हम उसी के नाम में मांगते हैं। आमीन। शिकागो में हमारा अच्छा वक्त गुजरा है। मैं समझता हूँ कि इश्तहार ने आपको ये पहले ही बावर करवा दिया होगा कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। दुनिया में इससे बड़ी इंडोर बैठने की जगह कहीं मौजूद नहीं, मासवाय एक्सटरवर्डन और हिस्ट्रन की तारीख में, क्योंकि वहाँ इससे भी बड़ी बैठने की जगहें मौजूद थीं। और आज यहाँ इसकी वसत के मुताबिक हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, जैसे कि गुज़िश्ता रातों में इस क्रोसेड के दौरान लोगों की तादाद रही, लेकिन शायद पहली रात ऐसी तादाद मौजूद नहीं थी। लेकिन बाद में हर रात लोगों का हजूम बढ़ता रहा और हमने देखा कि हजारहा लोगों ने यहाँ आगे आकर मसीहा के साथ कोलो करार किए। आज मैं आपको वापस अंजील बा मुताबिक लूका 11वें बाब की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हम 29वीं आयत से शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके पास कलाम मुकद्दस मौजूद होगा। कितनों के पास कलाम मुकद्दस मौजूद है? ऊपर करके मुझे दिखाइए। देखिए कलाम को, हजारों की तादाद में कलाम मौजूद हैं। अब देखिए लूका 11वां बाब उसकी 29वीं आयत। जब बड़ी भीड़ जमा होती जाती थी तो वो कहने लगा कि इस जमाने के लोग बुरे हैं, वो निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह यूना नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाने के लोगों के लिए ठहरेगा। दखन की मलका इस जमाने के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर उनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान के हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नैनवा के लोग इस जमाने के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। अब कदीम इसराइल यीशु से चाहता था कि वो कुछ ऐसा अनोखा काम करे जिससे वो उसे खुदा का बेटा तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन इस तलावत करदा हवाले में यीशु कहते हैं कि तुम निशान चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें निशान देता हूं। मैं हूं वो निशान। फिर यीशु ने कहा कि यूना नबी के दौर के लोगों ने खुदा के कलाम को सुना और वजू लाए, यानी उन्होंने तौबा कर ली, और वही लोग यीशु के दौर के लोगों के खिलाफ अदालत के दिन गवाही के लिए खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु को रद्द किया।
उसने कहा, दक्खन की मलका ने सुलेमान की हिकमत की तारीफ की, लेकिन तुम लोगों के सामने उस हिकमत से बढ़कर हिकमत मौजूद है। उसने कहा, तुम लोग अंधे हो, तुम सच को देख नहीं सकते, तुम बहरे हो और तुम सुन नहीं सकते। यीशु ने कहा, मैं हूँ हक, मैं हूँ दुनिया का हकीकी नूर, मैं हूँ निशान। अब जब आप यीशु को देखो तो आपका रद्दमल क्या होगा? जब आप यीशु के सामने जाओगे तो आप क्या करोगे? फकीहों और फरीसियों का रद्दमल तो हसद या नफरत से भरा हुआ था। नैनवा के लोग तो आजिज थे, क्योंकि जब उन्होंने खुदा को सामने देखा तो उन्होंने तौबा कर ली। आज ये सवाल आपके सामने मौजूद है कि आप क्या समझते हैं कि यीशु कौन है? यहाँ पर इस वक्त ऐसे लोग हैं जो यीशु को सुपरस्टार के तौर पर जानते हैं। बहुत से ममालिक में हजारों की तादाद में नौजवान मसीहा के बारे में बात करते हैं। आजकल एक ड्रामा खुदा का जादू के नाम से नशर होता है। अंजील के मुताबिक मुकद्दस मत्ती एक मसीही की शक्ल में अब मौजूद है। अभी एक और नई फिल्म ब्रदर जॉन दिखाई जाती है, जिसमें सिडनी फोगिया ने काले यीशु मसीह का किरदार अदा किया। एक मैगजीन बनाम फ्रंट काबा कुछ हफ्ते पेशतर यीशु मसीह को एक रॉक स्टार के तौर पर मुतारफ करवा रहा था। और ये इंग्लैंड का मैगजीन नौजवानों से एक सवाल पूछता है कि यीशु मसीह कौन है? 87 मिनट तवील यीशु के बारे एक इलेक्ट्रॉनिक तहकीक या सवाल जवाब मौजूद है, यीशु कौन है? और उस मैगजीन ने यहूदा अस्करियोती की आवाज़ में ये नतीजा निकाला, उसी कदीम दिन की तरह और सवाली अंदाज में, कि यीशु कौन है? और ओपरा मैगजीन में यहूदा कहता है कि मुझे गलत मत समझो, क्योंकि मैं सिर्फ जानना चाहता था। और फिर एक कोर्स जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि यीशु मसीह सुपरस्टार है। क्या आप समझते हैं कि आप वो हो जो वो कह रहे थे? यीशु मसीह, क्या आप समझते हो कि आप हो जो वो कहते हैं कि आप हो? ये मेरे लिए दिलचस्प था जब 1971 में किताबें, ड्रामे, फिल्में, मैगजीन और उपराज में यीशु के बारे बताया जा रहा था। कोई नस्ल यीशु से भाग नहीं सकती। जदीद दौर में एक अमेरिका का बाशिंदा अमेरिकी बाइबल सोसाइटी की तवसत से बाइबल के लिए नए अहदनामे के नए तर्जमे के साथ उठा और उन्होंने तकरीबन 25 लाख कापियां फरोख्त कीं। हम यीशु से भाग नहीं सकते। मैंने किसी ओपरा में नहीं सुना, किसी बुद्धा के ड्रामे में नहीं देखा, या फिर मोहम्मद अरबी के बारे में, या फिर गांधी के बारे में नहीं, बल्कि हमारी नस्ल सिर्फ यीशु पर ही निर्भर है। नौजवान यीशु के बारे ही बातें करते हैं। आज वही उनके कैंपस, हाई स्कूल में हर जगह उनकी बातचीत का मौजू है। यीशु मसीह नौजवान नस्ल की बहसों का हिस्सा है। वो पूछते हैं कि वो कौन है, कौन है यीशु? हम उससे भाग नहीं सकते। आपको याद होगा जब साउल मसीहों को एजा रसानियाँ पहुँचाता था, जब दमिश्क की राह पर था तो आंखों की चुंधियाने वाली रोशनी ऊपर से आई और वो यानी साउल यानी पौलुस ज़मीन पर गिरा और उसने सबसे पहले जो सवाल पूछा कि ए खुदावन, तू कौन है? आज इस कैंपस में हमारी नस्ल भी यही सवाल पूछती है कि खुदावन, तू कौन है? यीशु कौन है? हम उससे भाग नहीं सकते। वो हमारे दिमागों, हमारी अकलों में, इस तरह हमारे ड्रामों, हमारी नज़मों, हमारे ओपराज सब उसके बारे में होते हैं। क्या वो सिर्फ इनकलाबी था जैसे लिखा भी है? क्योंकि वो इससे भी बड़ा है। वो सिर्फ तकरीबन 33 साल जिया। उसने तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र भी नहीं किया था। उसकी दुनिया भी कोई तालीम नहीं थी। और आज 2000 साल बाद भी तमाम दुनिया, तमाम नस्ल यीशु के बारे बातचीत कर रही है। कुछ कहते हैं कि वो एक खबती इंसान था। उसके दिनों में भी ऐसा कहा जाता था। क्या ऐसा ही था वो? कुछ और कहते हैं कि वो इनकलाबी था। वो इनकलाबी रहनुमा के तौर पर आया, क्या वो इनकलाबी था? शायद वो जिंदगियों को नया बनाने वाला इनकलाबी था,
لیکن اس نے روم کے مقابلے میں انقلاب نہیں برپا کیا، اس نے موجودہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جب اسی قسم کے معاملوں کے پیش نظر رومی اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو روحانی بادشاہی کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد بار رومیوں نے اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دی، اور جب انہوں نے اسے اس معاملے میں آزمانے کی کوشش کی تو اس نے یسو نے کہا کہ مجھے ایک رائج الوقت سکہ دو۔ اس نے کہا اس پر کس کی تصویر موجود ہے؟ انہوں نے کہا قیصر کی۔ تو اس نے کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس پر کلام کہتا ہے کہ وہ مزید اس سے سوال نہ کر سکے کیونکہ ان کے پاس اس کی باتوں کا جواب نہیں تھا۔ ہمیشہ یسوع کے ساتھ کچھ چیزوں کو جوڑا گیا۔ کچھ نے کہا کہ وہ انہی موجودہ لوگوں کے نظام کی نمائندگی کرتا تھا۔ کچھ نے کہا کہ وہ یعنی یسوع ایسے معاشرے کی نمائندگی کرتا تھا جن بنیادوں پر آج امریکہ قائم ہے، اور امریکہ ہی یسوع کی درست نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نظام اصل میں بیوروکریسی پر نربھر تھا۔ جسے ہم نے واشنگٹن میں ختم کر دیا، وہ یعنی یسوع اب نزیر دنیا کے لیے امید نہیں رہا۔ یسوع مسیح دنیاوی بادشاہت قائم کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ کوئی اور ہی بادشاہت تیار کر رہا ہے۔ وہ ابدی بادشاہت قائم کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یعنی یسوع پہلا ہیپی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے بال لمبے تھے، وہ اپنے شاگردوں کی شاکت میں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اصل میں نہیں جانتے کہ وہ کیسا دکھتا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کی لمبی داڑھی تھی یا نہیں۔ یہ تو صرف مصوروں کی تصاویر ہیں جو ان کی کاریگری کا ثبوت ہیں۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع شاید ایسا تھا، ہم نہیں جانتے کہ اس کے لمبے بال تھے۔ ہو سکتا ہے ہوں، کیونکہ اس وقت ایسے بال رکھنے کا رواج تھا، لیکن درحقیقت ہم نہیں جانتے۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہمارے پاس یسوع کی کوئی تصویر موجود نہیں، تاکہ ہم کسی تصویر کو نہ پوچھنا شروع کر دیں، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی عبادت روح سے ہو۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ درحقیقت ایک برائی تھا، کیونکہ وہ ایک برا انسان تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہ سوال ہے، یسوع مسیح تو کون ہے؟ یسوع کون ہے؟ ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھاگ، لیکن وہ آگے موجود ہوتا ہے، ہر جگہ امٹ امٹ کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے عظیم فلسفہ دانوں نے اس کے بارے لکھا، ہمارے تاریخ دانوں نے اس کے بارے لکھا، ہماری عظیم نظمیں اور ڈرامے جو اس کے باہی بارے میں ہوتی ہیں۔ ہمارے عظیم نقشہ نویس اس کے بارے میں کہتے ہیں، یہاں تک کہ سوویت یونین میں جائیں یا کریم لینڈ میں جائیں، میں کریم لینڈ میں رہ چکا ہوں، وہاں ہر طرف یسوع کی تصاویر موجود ہیں۔ آپ سوویت یونین میں کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی تصاویر، مصوری اور موسیقی صرف یسوع کے بارے میں ہی ہے۔ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے کچھ تو جانتے ہیں۔ آدمی یسوع ایک مکمل طور پر ایک انسان تھا، وہ انسان کا نمائندہ تھا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ پہچانا گیا یعنی گنہگاروں میں گنا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسے بھوک لگتی تھی، ہم جانتے ہیں کہ اسے پیاس بھی محسوس ہوتی تھی، ہم جانتے ہیں کہ وہ تھکتا بھی تھا، ہم جانتے ہیں کہ اس کے دوست بھی تھے، ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے دوست کی قبر پر جا کر رویا بھی، ہم جانتے ہیں کہ اس میں انسان کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ لیکن پھر بھی یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا۔ درحقیقت وہ خود اس نسل کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا میرے ہمسایوں نے مجھے گناہ کرتے دیکھا ہے؟ یا کیا تم مجھ میں گناہ ثابت کرتے ہو؟ لیکن کسی نے کچھ نہ کہا، یا اس میں گناہ ثابت نہ کیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف 33 سال کا آدمی ہو اور آدمیوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ پوچھے کہ تم میں سے کس نے مجھے گناہگار پایا ہے؟
मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी अपनी टीम में से लोग छलांग मारते हुए सामने आएंगे कि उसने मुझे गुनाहगार पाया है। मेरी बीवी भी यहाँ मौजूद है, सबके सब ही गुनाहगार हैं। लेकिन यीशु जिंदगी के हर उस पहलू में आजमाया गया जिसमें आज हम आजमाए जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की आजमाइशें थी जिनमें से यीशु पहले कभी नहीं गुजरा। लेकिन वो उन सब पर गालिब आया। सब सुनिए, वो एक इंसान था आप सब की तरह, लेकिन वो इससे भी बढ़कर था, क्योंकि उसने ये दावा किया कि वो ही अकेला सिर्फ खुदा की अलूहियत में खुदा का बेटा है। असल में उसने कायनात से पेशतर होने का दावा किया। कलाम कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, इससे पहले कि वक्त मौजूद होता वो उससे भी पहले मौजूद था। उसने कहा पेशतर इसके अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, मैं अबदी हस्ती हूँ। कोई बात नहीं अगर खुदा नाराज होता है, कोई बात नहीं अगर उन्होंने उसे यानी यीशु को संसार करना चाहा, कोई बात नहीं अगर उन्होंने उसे मारना चाहा। कोई हैरानगी की बात नहीं अगर उन्होंने उसे आकर मसलूब कर दिया। वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं खुदा हूँ। क्या वो खुदा था? क्या वो अपने दावे के मुताबिक ऐसी अबदी हस्ती था, जिंदा खुदा का बेटा? एक दिन उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पत्रस ने जवाब दिया कि कुछ तुझे यूहन्ना इस्तेबागी समझते हैं कि वो जिंदा हो गया है, कुछ यर्मिया नबी और कुछ एलिया। उसने कहा लोग मेरे बारे में जो समझते हैं, जो सोचते हैं, मुझे दिलचस्पी नहीं, मुझे बस ये जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। पत्रस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने कहा पत्रस तुमने खूब कहा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया। लेकिन पत्रस ये तुम्हारी सोचे नहीं बल्कि खुदा की तरफ से सोचे, इसका मुकाशवा खुदा की तरफ से तुम्हें हुआ। यीशु मसीह ने यह दावा किया कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह था। और आप उसकी पैदाइश के बारे में जानते हैं कि ये उसकी पैदाइश ना थी बल्कि ये उसकी शुरुआत थी, उसका दौर था, ये उसकी पैदाइश की शुरुआत थी, क्योंकि वो हमेशा से हमेशा मौजूद है, वो खुदा है। कलाम कहता है कि वो कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। दूसरे लफ्जों में लोगास खुदा का कलाम, अबदी खुदा यीशु मसीह की शख्सियत के तौर पर मुजस्सम हुआ और एक आदमी के तौर पर हमारे दरमियान रहा। कलाम खुदा यही तालीम देता है। और जब आप यीशु के पास आते हो तो आपको ये कबूल करना ही होगा, वो किसी दुनियावी इनकलाबी की तरह नहीं था, वो किसी हिप्पी की तरह भी नहीं था, वो किसी अजीम आदमी की तरह भी नहीं था, वो खुदा था जिस्म। और वो सब इखलाकियात जिसकी उसने तालीम दी, ऐसी तालीम किसी और शख्स ने नहीं दी। जब आपको कोई एक तरफ मारता है तो वो कहता है कि दूसरा रुखसार भी उसी की तरफ फेर दो। उसने ये नहीं सिखाया कि इसके बाद क्या किया जाए, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि 70 बार माफ करो। उन छोटी छोटी बातों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिनके लिए आपकी बीवी आपको तंग करती है या फिर आपका खाविंद आपको तंग करता है? 70 बार आपने माफ करना है। एक बार मेरी बीवी ने मुझे खुशाइन शादी का राज बताया और वो ये था कि गलतियों को माफ करना। और वो असल में यही है, गलतियों को माफ करो। लोग एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। यीशु ये कहता है कि हमें माफ करना है। उसने ये इनकलाबी तालीम दी ताकि हम इसी तरह तौर से जिंदगी गुजारें। उसने हमें ये तालीम दी कि खुदा सिर्फ बुरे अफाल पर सजा नहीं देगा बल्कि वो अंदरूनी या दिल के ख्यालों और नीयतों को भी परखता है। उसने कहा कि मूसा ने ये तालीम दी यानी 10 अहकाम उसने तालीम दी कि तुम जना ना करना, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुमने किसी औरत के बारे में हवस से देख भी लिया तो तुम जना कर चुके। उसने कहा मूसा ने कहा कि खून ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो अपने दिल में अपने भाई के लिए बिला सबब नफरत या बुरे ख्याल रखता है वो इस गुनाह में मुब्तला है।
اس نے انسانی اخلاقیات کو بلند ترین درجے پر پہنچا دیا. وہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس اونچے درجے کی زندگی کو جئیں. اس نے خود ایسی ہی زندگی جی. کلام کہتا ہے کہ وہ اندرونی باتوں کا انصاف کرے گا. ان دنوں میں امریکہ کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ امریکہ کو جتنا اندر سے خطرہ ہے اتنا باہر سے نہیں. اور اسی طرح آج آپ بھی اپنی انفرادی زندگیوں میں یہاں موجود ہیں. داؤد نے کہا کہ گناہ میں مجھے میری ماں نے جنم دیا. یسوع نے کہا دل سے برے خیال, قتل کے منصوبے, زناکاری, چوری چکاری اور توہین, ہر طرح کی دنیاوی برائی انسان کے دل سے نکلتی ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو حاصل کی جاتی ہے. اور اسی لیے یسوع نے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے, تمہیں بدلنا ضرور ہے, تمہاری نئی شروعات ہونا ضرور ہے. اور وہ کر سکتا ہے. آپ یسوع کی وضاحت کیسے کریں گے؟ یسوع مسیح کیا تو وہی ہے جیسے تو کہتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس پر تین الزام لگائے گئے تاکہ اس کو مسلوب کیا جائے. پہلا الزام یہ تھا کہ یہ گناہگاروں سے محبت کرتا ہے. یہ پہلا الزام تھا. دوسرا الزام یہ تھا کہ یہ سبت کے دن شفا دیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. کیا وہ خدا کا بیٹا تھا؟ اس کے اختیار پر نظر کیجئے ذرا. یسوع نے ان سے کہا کہ سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے. میں ایک بات جانتا ہوں کہ اس نے گناہ معاف کیا جو کوئی اور نبی نہ کر سکا. یسوع خود گناہوں کو معاف کرنے والا تھا. وہ کہتا تھا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. میں جانتا ہوں کہ وہ فطرت پر بھی اختیار رکھتا تھا. ایک رات جب وہ طوفان میں گھرے ہوئے تھے, آسمان گرج اور چمک رہا تھا, طوفان دہاڑ رہا تھا اور سمندر موجزن تھا اور ہوا تیزی سے چل رہی تھی, شاگرد ڈرے سہمے ہوئے تھے اور یسوع کشتی میں سو رہا تھا. وہ کشتی میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا امن ہو جائے. بجلی چمکنا بند ہو گئی اور طوفان کی دہاڑیں رک گئیں اور بارش رک گئی. سمندر اور ہوا بھی سکون میں آ گئے اور فطرت نے اس کی بات مانی. اور آج ایک نوجوان ایمان لانے والا ہے کیونکہ اس کا ایک بہت اچھا گیت کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ ان ہاتھوں میں دو جنہوں نے طوفانوں کو تھما دیا. اس نے موجزن سمندر کو تھما دیا. اس کو فطرت پر قدرت تھی. میں ایک دفعہ محو پرواز تھا. ہم میں سے اکثر لوگ بھی پرواز کرتے ہیں. ہم فلپی سے ٹائفون کی طرف جا رہے تھے. اور اسے پہلے کہ ہم ٹائفون سے نکلتے, وہاں جہاز کا کپتان تھا جس نے مجھے سب سے آگے بلایا اور سب سے آگے اپنے ساتھ بٹھا لیا. وہ جہاز بڑی پرسکون اڑان لے رہا تھا, لیکن اچانک ہی ایسا محسوس ہوا کہ جہاز کسی دیوار سے ٹکرایا ہو. جہاز جگمگا گیا, ہوا میں ہچکولے لینے لگا اور اوپر نیچے ہونے لگا. اور پھر اچانک سے ہی ہم سورج کی جیسے چمک میں داخل ہو گئے جہاں ہوا بالکل ٹھیک تھی. اور کپتان پریشانی کے عالم میں پسینے سے شرابور میری جانب مڑا اور کہا آپ جانتے ہو یہ خدا تھا جس نے ہمیں بتایا کہ کچھ تو ہے جو اس جہاز سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن یسوع نے ہمارے اس طوفان کو لیا اور اسے ختم کر دیا. اس نے اس گرج و چمک کو لیا اور واپس آسمان پر پھینک دیا. اس کو فطرت پر قدرت حاصل کی کیونکہ وہ فطرت کا خدا ہے. یہ سب اس کے ہی قوانین کے ماتحت ہیں. اس کو بیماریوں پر اختیار حاصل ہے. میں اگلے دن ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ ایک چائنیز بنام میلسی ڈنک نے دعویٰ کیا کہ وہ چائنا کے 80% زہروں کو ٹھیک کر چکا ہے. اور ان میں سے ایک پنگ پونگ ٹیم سامنے آیا. اس نے کہا کہ چائنا میں میلسی ڈنک کے روپ میں یسوع ظاہر ہوا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں اصل میں شخصی فرقہ واری کو ہوا دے رہے تھے, لیکن یسوع نے اندھے کو آنکھیں دی, اس نے بہروں کو کان دیے, اس نے گنگوں کو گویائی بخشی, اس نے مردوں کو زندہ کیا. یہ سب تاریخ میں ہے. وہ بدروحوں پر اختیار رکھتا تھا. آپ کہیں گے کہ بلی کیا آپ بدروحوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں میں یقیناً رکھتا ہوں. اور یسوع نے بار بار
बदरूहों का सामना किया। उसने उन्हें बाहर निकाला और वो लोग जो बदरूहों की वजह से पागल हो चुके थे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हुए। और फिर देखिए कि वो किस मौत से मरा। क्या कभी कोई इंसान यीशु की तरह मरा है? गर्ज चमक और तूफान हर सिमत था और जमीन लर्ज रही थी। यहाँ तक कि फौजियों ने ये इकरार किया कि ये वाकईतन खुदा का बेटा था। और कोई शख्स यीशु को सलीब पर देखता है, उसे हाथ नहीं लगाता। शायद वो पत्थर दिल हो। वो सबसे पहले उसके कपड़े लेता है, फिर वो एक लंबा कीलों से भरा हुआ राड लेता है और जिसका मुंह स्टील की नोकदार कीलों से भरा हुआ है, और फिर वो उसे मारता है यहाँ तक कि उससे खड़ा भी ना हुआ जाए। फिर वो कांचों का ताज उसके सर पर पहनाए जिससे सर और चेहरा खून से भर जाए, और वो उस पर हंसे और उस पर थूकें और वो उसका तमस्कर उड़ाएं। और ऐसा इंसान जो मार खा रहा है उसकी सिर्फ एक उंगली के हिलाने के इंतजार में 72,000 फरिश्ते नंगी तलवार लिए उसको बचाने के लिए खड़े हों कि वो इशारा तो करे, और वो इस सारे ही को इसकी हस्ती समेत इस कायनात से गायब कर दे। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, इसलिए तो मैं जन्मा। वो सलीब को उठाते हुए घसीटता हुआ चल पड़ा। आप रेड इंडियन लोग एक बात हमेशा भूल जाते हो कि जिस शख्स ने यीशु को सूली उठाने में मदद की वो एक रेड इंडियन था। और एक और बात कभी मत भूलिए, यीशु अफ्रीका से था, क्योंकि ऐसी जगह पैदा हुआ जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के दरमियान में है। और यीशु मेरी तरह कोई सफेद इंसान ना था, और आप में से कई कालों की तरह भी ना था। हम नहीं जानते कि उसकी जल्द का रंग क्या था, लेकिन उसका रंग जरूर ही उन दिनों और वहाँ के लोगों की तरह गहरा ही रहा होगा, क्योंकि वो उन्हीं की तरह का एक आदमी था। कभी ये मत कहिए कि ये मज़हब सफ़ेद लोगों का है या ये काले आदमियों का है। तमाम दुनिया का मज़हब है, वो तमाम दुनिया से था। जब वो सलीब पर फोत हुए उन्होंने उसे कीलों से जड़ा, उसके हथेलियों में कील लगाए थे। और क्या आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? उसने कहा, इन्हें माफ़ कर, कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उन्हें माफ़ कर, क्या आप किसी को माफ़ करेंगे जो आपके कसूरवार ना होने पर भी आपके हाथों में कील लगाए? वो ना पछताया, ना चलाया और ना ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की, बल्कि उसने सिर्फ उसको कबूल किया और कहा, खुदावंद इनको माफ़ करे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसी तरह उसने मुश्किलात और तशद्दुद का सामना किया, और फिर उसने सलीब पर कहा, मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया, और फिर उसने अपना सर झुका लिया। इसका क्या कहा मतलब था? तमाम इसका मतलब था कि तुम्हारा नजात का मंसूबा मुकम्मल हो गया है। खुदा तुम्हें माफ कर सकता है क्योंकि यीशु ने सलीब पर आपके सब गुनाहों को निजात के मंसूबे में ख़त्म कर दिया। क्या आप जानते हैं कि खुदा आपको आपके नाम से जानता है? आपके सब बाल भी गिने हुए हैं। खुदा आप पर ऐसे नज़र रखता है जैसे आप सारी कायनात में एक ही शख्स हो। वो सिर्फ आपको यानी सिर्फ आपको नज़र में रखता है। वो सलीब पर यीशु की सही सोच में और उस सलीब पर यीशु की सोच में आप सब मौजूद थे। उसने आपसे प्यार किया और इसीलिए वो उस सलीब पर मौजूद रहा। कैसा अजीम प्यार मोहब्बत है जिसकी मिसाल कभी नहीं मिलती, जबकि वो खुद को छुड़ा कर आसमान तक पर जा कर बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मैं ये सब कुछ उस खुशी को पाने के लिए कर रहा हूँ जो बहुत पहले से मेरे लिए तैयार की गई है। क्योंकि उसने देख लिया था कि वो मुर्दों में से ज़िंदा हो गया। उसने देख लिया था कि तमाम कौमें उसके नाम में जमा होंगी ताकि उसका जिस्म बने। उसने देख लिया था जब हम उसके साथ उसकी बादशाही में बादशाही करेंगे। जी हाँ, वो उसे कब्र में ले गए और वहीं से यीशु जो सबसे आला है ज़िंदा हुआ, जबकि कुछ लोगों ने उसके ज़िंदा होने को रोकना चाहा। और आपके पास उसके मुर्दों में से जी उठने का ईमान नहीं तो आपके पास कोई इंजील या खुशखबरी नहीं। यीशु मसीह ज़िंदा है, और जब वो उस सब और जब वो उस सुब पर
और जब वो सुबह कब्र पर गईं तो उन्होंने दुनिया की सबसे अजीम तरीन खबर सुनी जो कभी ना सुनी गई थी कि वो यहाँ नहीं बल्कि जिंदा हो गया है। वो आज जिंदा है और वो चीज़ जिसने यजीदियों को दुनिया बदलने वाली ताकत और तहरीर दी वो ये सुसी का जी उठना ही था। वो तमाम जगहों पर जाते रहे और ये ऐलान करते रहे कि ये सुसी जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि हम मसीहों में से भी कुछ ऐसे आज मौजूद हैं यीशु मुर्दा है, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। आप सब जो मुश्किलात मुसीबतों तंगियों और इम्तहानात और आजमाइशों से गुजर रहे हो वो आप सब शैतान की ताकत और कुदरत और उसके हमलों के नीचे हो। क्या आप जानते हो मैं समझता हूँ कि बहुत मामलात में ये आसान है कि हम इस दुनिया में मसीही ना बने क्योंकि इसी तरह शैतान आपको तन्हा छोड़ देता है, लेकिन जिस लम्हे आप मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं उसी घड़ी आप इन मामलात में कूद पड़ते हैं। जब तक आप अपने घुटनों पर नहीं आते, कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं चलते और अपनी हिफाजत का खूब इंतज़ाम नहीं करते और तमाम वक्तों के लिए तमाम हथियारों से लैस नहीं होते, क्योंकि जिस दिन आपका हौसला पस्त हुआ आप मुसीबत पड़ सकते हैं। जिस दिन आप मसीह को कबूल करते हैं तो सोच लें तमाम दुनिया एक तरफ जा रही है और आप फौरन बहसियत मसीह वापस पलटते हैं और दुनिया की ताकत के खिलाफ चलना शुरू कर देते हैं और ये एक मुश्किल काम है। लेकिन आप जानते हैं कि ये गुनाहगार के लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कलाम कहता है कि गुनाहगारों की राह बहुत मुश्किल है। बाज़ुकात मैं टीवी पर ऐसे प्रोग्राम्स देखता हूँ जिसमें जुर्म होता हुआ दिखाया जाता है। मैंने ज़िंदगी में मुजरम को जुर्म या पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं देखा। मैं देखता हूँ कि उनका एक बहुत अच्छा काम है जिसमें बड़ा आसान वक्त गुजारते हैं, पैसा हासिल करने के लिए उसके लिए काम करते हैं, उनके मंसूबे के मुताबिक होता है और मैं जानता हूँ कि वो ऐसे ही अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी करते हैं। यीशु मसीह ज़िंदा है और अगर वो मुर्दों में से ज़िंदा नहीं हुआ, अगर वो ज़िंदा नहीं तो फिर मसीह नाम की कोई चीज़ ना होती, हमारे गुनाह कायम होते और माफ़ी ना होती। और फिर वो लोग जो मसीह को कबूल करते हैं उनके साथ क्या होता है। हमारे साथ गुजरी रातों में से एक रात एक दोस्त था जो एक तंजीम का रहनुमा था। उसने कहा कि जब तक यीशु से मुलाकात नहीं हुई वो सोचता है कि वो दुनिया को अपनी इस तंजीमी ताकत के साथ तब्दील कर देगा, लेकिन जब यीशु से मुठभेड़ हुई तो इसकी अपनी ज़िंदगी तब्दील हो गई। प्रभु कहता है कि हाँ मैं यकीन रखता हूँ कि दुनिया तब्दील की जा सकती है, लेकिन ये सब कुछ यीशु की ताकत और कुदरत से मुमकिन है। यही बात है यीशु जो आपके दिल में आता है। अगर मेरे पास अब तक की तमाम बातों के सबूत ना हो, कोई साइंसी सबूत ना हो कि यीशु कभी मौजूद था, तो भी मैं यीशु पर ईमान रखूँगा क्योंकि जो कुछ उसने मेरे लिए किया वो खुशी, वो सुकून, वो हिफाजत, वो मोहब्बत जो उसने मुझे अपने फर्ज में दी वो अब मेरी है। और फिर वो इत्मीनान जो उसने उनको दिया जो उस पर भरोसा रखते हैं। खुदावंद तू कौन है? यीशु मसीह क्या तू वही है जिसका तू दावा करता है? यही वो सवाल है जिसका सामना आप सबको आज रहता है। यीशु कौन है? अगर यीशु ने खुदा होने का दावा किया जबकि वो जानता था कि वो खुदा नहीं है तो फिर वो झूठा है। और फिर हमारे पास कहने को होता कि यीशु तो झूठा है, तू धोखेबाज है, बल्कि ऐसा धोखेबाज कि कभी इंसानी तारीख में नहीं हुआ। या अगर यीशु ने सोचा कि वो खुदा है और उसे उसकी कदर का पता नहीं था तो फिर उसे यकीनी तौर पर दिमागी इमदाद की ज़रूरत थी, उसे बहुत से नफसियाती हकीमों की ज़रूरत थी। तीसरा मतबादल ये है कि वो सब कुछ था जिसका उसने दावा किया था कि वो जिस समय खुदा है। मैं ये मान रखता हूँ कि तमाम सबूत उसके इस दावे की चर्चा कर रहे हैं, जिंदा खुदा का बेटा, लेकिन मैं ये हकीकत साइंसी तौर पर साबित नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूँ उन तमाम जिंदगियों की बदौलत जो हर रोज़ वो तब्दील करता है। मैं साबित कर सकता हूँ क्योंकि मेरे दिल में ये बात नहीं है कि मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद रखता हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं ये हकीकत जानता हूँ।
और आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में एक और उनसर भी है जिसके बारे हम बहुत कम जानते हैं, और वो है ईमान। आप हर रोज़ अपने ईमान से ज़िंदगी गुजारते हैं। आप आज सुबह ईमान रखते हैं कि आपकी बीवी ने आपकी काफ़ी में जहर मिला दिया है। आपका इस बात पर ईमान है, वो ऐसी नहीं दिखती लेकिन उसने ऐसा किया। आपका अपने बैंक पर ईमान है, जब आप चेक लिखते हैं और साइन करते हैं और ईमान रखते हैं कि वो लिखी हुई रकम अदा करेगा। आपका ईमान है गवर्नमेंट पर, जब आप बिल की अदायगी करते हैं और आप ईमान रखते हैं कि ये लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल होता है। हर काम जो हम करते हैं वो ईमान से ही करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहाड़ी पर चढ़ता हूँ और हम जानते हैं कि नॉर्थ कैरोलिना में बहुत सी पहाड़ियाँ मौजूद हैं। मैं अपनी कार को नहीं रोकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं, कि मैं उतरूँ और जाकर देखूँ कि कोई गलत सिमत से गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ कि ड्राइवर अपनी ही सिमत से गाड़ी को चलाते हुए आएगा। ईमान, 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 हर चीज़। जब आप इस कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या आप इस कुर्सी को पहले इस्तेमाल कर चुके हैं कि मैं पहले बैठने से पहले देख लूं या इसे आजमाऊं कि ये बैठने के काबिल है ठीक है नहीं? लेकिन ये सिर्फ आपका ईमान है कि आप इस पर बैठ गए हैं, क्योंकि आपका ईमान है कि लोग ऐसी कुर्सी नहीं बनाएंगे जो आपको संभाल ना सके। हर चीज़ जो हम करते हैं वो ईमान से करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को दोबारा देते हैं। आप इसको यसु पर रखें और माने कि वो खुदावंद और निजात दहिंदा है, तो आप जानेंगे कि वो यानी यसु कौन है। आप इसको ईमान से कबूल करते हैं और वो आपकी ज़िंदगी और आपके दिल में जब आता है तो आप जानते हैं कि वो कौन है जिसका उसने दावा किया है। उस दमिश्क के रास्ते पर जिसका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था, वहाँ पौलुस रसूल ने पूछा कि खुदावंद तू कौन है, और फिर पौलुस ने एक और सवाल किया। पौलुस ने कहा कि तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं, और यीशु ने कहा कि उठ और जा। मैं आज आपसे कहता हूं कि उठिए और यीशु के पास आइए। अब आप में से कुछ इसका मजाक उड़ाएंगे और कुछ रद्द करेंगे, कुछ वैसे ही हट जाएंगे और कहेंगे कि हम फिर कभी आएंगे और यहाँ फिर आप उसको कबूल करेंगे अपने खुदावंद के तौर पर, अपने निजात दहिंदा के तौर पर, अपने आका के तौर पर और खुदा के बेटे के तौर पर, और वो आपके दिल में आएगा और आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। यीशु मसीह अजीम तर। यहूदा कहता है कि मुझे गलत ना समझो, मैंने तो सिर्फ उसको जानने की कोशिश की कि वो क्या अपने कहने के मुताबिक है। फिर एक बड़ी आवाज़ गीत की शक्ल में ये कोर्स गाने लगती, यीशु मसीह अजीम तर, क्या तू वही है जिसका तू दावा करता है? हाँ, इससे भी कहीं कदर ज्यादा, 10,000 मरतबा से भी बढ़कर। फिर वो अंग्रेज शास ने लिखा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, और आज आप उसे कबूल करने जा रहे हैं। दर हकीकत जब आप बेगुनाह होकर आसमान पर जाना चाहते हैं तो आपको उसे कबूल करना ही होगा, और मैं आज आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आप ये काम सबके सामने करें। आप ये कैसे करेंगे? आप सैकड़ों को मैं कहता हूँ कि इसी वक्त खामोशी और आजजी की हालत में उठिए और यहाँ सामने आइए और कहिए कि मैं मसीह को अपने दिल में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ करे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आसमान पर जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी बदले। मैं उसे अपने खुदावंद और निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करता हूँ। अगर आपके रिश्तेदार, चाहने वाले और मोतबर लोग आपके साथ बाहर आए हैं तो वो आपका इंतज़ार कर सकते हैं। मैंने क्यों ये कहा है कि आप सामने आए? क्योंकि हर शख्स को खुदावंद यीशु ने अंजील में सबके सामने बुलाया, और आप सब आए लोगों के सामने ज़ाहरी तौर पर, चाहे आप प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, चाहे आप यहूदी हैं, चाहे आप रासखल अकीदा हैं, और चाहे आपका कोई भी मज़हब ना हो, लेकिन खुदा आपसे आज बोल रहा है कि आपको मसीहा की ज़रूरत है। आप आइए और इस बात का यकीन कीजिए, ये घड़ी फैसले की है। शायद इसके बाद आपको ये मौका नसीब ना हो।
Please subscribe my channel, hit the bell icon, and don't forget to like and share my video with your friends. Thank you.